नमस्ते इंडिया, मैं हूँ शांतनु। आपका स्वागत है शांतनु टॉकीज यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ एक नया मेहमान है, मेहमान है एम आई बियर्ड ट्रिमर। आज इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और साइड में रख देते हैं, इसका प्राइस भी आपको साथ शेयर करेंगे और मेरा जो बियर्ड है इसका लाइव ट्रिमिंग करके भी आपको दिखाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आज पूरा डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस Redmi Beard Trimmer का प्राइस है 1199 रुपीज। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ Amazon के बेस्ट बाय लिंक से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब चलिए बॉक्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस बॉक्स का फ्रंट के तरफ आपको मिलेगा ट्रिमर का पिक्चर, इसके ठीक ऊपर में MI का लोगो के साथ इस MI बियर्ड ट्रिमर का ब्रांडिंग मिल जाता है, जहां पर मेंशन है इस ट्रिमर का स्पेशल फीचर्स। इस ट्रिमर का स्पेशल फीचर्स है 40 लेंस सेटिंग, 90 मिनट कॉर्डलेस यूज एंड सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड एंड IPX7 वॉशेबल बॉडी। इसका बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। दोनों साइड के तरफ मिल जाता है MI बियर्ड ट्रिमर का ब्रांडिंग। बैक साइड में इस ट्रिमर MRP एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है। मैं इस ट्रिमर का MRP पहले आपको बता चुका हूँ। अब चलिए देखते हैं बॉक्स का अंदर क्या क्या मिलता है। ऊपर की तरफ आपको एक MI का तरफ से ऑरेंज कलर का सील मिल जाता है। इसको हटाने के बाद इस बॉक्स का अंदर से और एक बॉक्स मिलता है, जहाँ पर एक तरफ है MI का ट्रिमर। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं दूसरा साइड क्या है। दूसरा साइड में है एक बड़ी वाली कॉम। इस कॉम बड़ी अच्छे है, इसमें यूज किया गया प्लास्टिक का क्वालिटी भी बहुत डिसेंट क्वालिटी का है। इसके साथ साथ और एक छोटा कॉम मिल जाता है इस बॉक्स में। इसके अलावा आपको मिलता है एक कैरिंग केस एंड लीडिंग ब्रश। इस छोटी सी ब्रश को इस्तेमाल करके आप MI ट्रिमर को बड़ी अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। कैरिंग केस भी बहुत अच्छे मटेरियल का है। इस केस के सामने की तरफ MI का ब्रांडिंग दिखाई देगा। अंदर जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छे है, आपको ट्रिमर का कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको मिलता है चार्जिंग केबल, बट चार्जिंग केबल के साथ कोई भी एडाप्टर नहीं दिया हुआ है Redmi ने। केबल का क्वालिटी भी बहुत अच्छे है। एक साइड में मिलता है चार्जिंग पोर्ट ट्रिमर के तरफ के लिए और दूसरा साइड में मिलता है USB पोर्ट, जिसको आप एडाप्टर में लगाएंगे उसके बाद ही इस ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। इसके साथ साथ और एक बात बोल देता हूँ, जो कैरिंग केस है उसका अंदर आप बड़ी आराम से आपका ट्रिमर, दो कॉम एंड ब्रश चार्जिंग केबल को भी बहुत अच्छे तरह से रख कर ट्रैवल में ले जा सकते हैं। अब लास्ट में आता है एक यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यूजर मैनुअल में हाइलाइटेड है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट ओवरव्यू, बैटरी के इंफॉर्मेशन, केयर एंड मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब फाइनली इस प्लास्टिक के अंदर से ट्रिमर को बाहर निकलते हैं। इस ट्रिमर को हाथ में लेने से ही फील होता है इस ट्रिमर कितने अच्छे क्वालिटी का मटेरियल से बना हुआ है। इसका बिल्ड क्वालिटी पूरा ब्लैक कलर का प्लास्टिक एंड मेटल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इस ट्रिमर बहुत प्रीमियम है Redmi MI बियर्ड ट्रिमर। सामने की तरफ ऊपर में एक डायल दिया हुआ है, जिस डायल का मेटल भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है। इसको घुमाने के लिए आपको दो उंगलियों के साथ घुमाना पड़ेगा। स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए एक बटन दिया हुआ है इसका ठीक नीचे, जिसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे है। और मिलता है बैटरी इंडिकेटर, जो 3 LED लाइट आपको दिख रहा है, ये 3 LED लाइट है बैटरी इंडिकेटर। इस प्रोडक्ट की फिनिश भी बहुत अच्छे है। बैक साइड में MI का ब्रांडिंग मिल जाता है। ऊपर की तरफ कॉम एडजस्ट करने के लिए जो डायल दिया हुआ है, जिसको ऐसे घुमाते हैं, डायल मैक्सिमम लेंथ देने के बाद ही आप कॉम को अनप्लग कर पाएंगे ट्रिमर से। ट्रिमर की 10 एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है और हर एक एडजस्टमेंट लेंथ के बीच में आपको एक डॉट दिख रहा है। अब हुआ ना 20 एडजस्टमेंट एंड 2 कॉम मिलाकर हुआ है 40 एडजस्टमेंट। Xiaomi ने इस ट्रिमर में सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से निकल सकते हैं ऐसे करके और इस ब्लेड को धो सकते हैं। सफाई करने के बाद आप इस ब्लेड को ऐसे फिर से प्रेस करके लॉक कर सकते हैं। ट्रैवल सेफ्टी लॉक इस ट्रिमर में दिया हुआ है। ट्रैवल सेफ्टी लॉक आपको एक्टिवेट करने के लिए
इस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आपको 3 सेकेंड पकड़ के रखना है। 3 सेकेंड पकड़ के रखने के बाद आपको 3 LED लाइट 3 बार ब्लिंक करके हुए दिखाई देगा। अब इस ट्रिमर में ट्रैवल सेफ्टी लॉक एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है क्योंकि ट्रैवल के टाइम में गलती से उसका ट्रिमर ऑन हो जाए। इसके लिए इस ट्रिमर में इस फीचर्स जायमी ने दिया हुआ है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगा है इस ट्रिमर का ये ट्रैवल सेफ्टी फीचर्स को। एंड इस ट्रैवल सेफ्टी फीचर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से पावर बटन को 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना होगा और तीनों LED लाइट 3 बार ब्लिंक करने के बाद इस ट्रिमर ऑन हो जाएगा। और नीचे की तरफ मिलता है ट्रिमर का चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पर लिखा है ट्रिमर में 5 वोल्ट 2 एम्पियर का के साथ पावर देना होगा। इसके साथ साथ लिखा हुआ है IPX7 का मार्क। चार्जर का इस पोर्ट ट्रिमर का इस हिस्से में डालना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो USB पोर्ट है उसको आपको मोबाइल चार्जिंग एडाप्टर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बट Xiaomi ने कोई चार्जिंग एडाप्टर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको अलग से चार्जिंग अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। बैटरी इंडिकेटर लाइट से आप बैटरी की पता लगा सकते हैं। चिंता मत करिए, आप इस ट्रिमर को एक बार फुल चार्ज करने के बाद 90 मिनट तक मतलब 1.5 घंटे आप यूज कर सकते हैं नॉनस्टॉप। ये बहुत बढ़िया, इतना जल्दी इसका चार्ज खत्म नहीं होने वाला। आप इस ट्रिमर को 2 एम्पियर वाला पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। इस ट्रिमर को फुल चार्ज होने में 2 घंटे टाइम लगता है। इसको आप प्लग इन प्ले मतलब चार्जिंग के साथ साथ यूज कर पाएंगे। इस ट्रिमर को फुल चार्ज खत्म हो जाएगा तो आप इसको 5 मिनट चार्ज करके 10 मिनट यूज कर सकते हैं। ये है और एक बढ़िया बात। अब देखते हैं ये ट्रिमर बियर को कितना अच्छे तरीके से ट्रिम कर पाएंगे। इस ट्रिमर स्टार्ट करने के बाद इसका साउंड उतना लाउड नहीं है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे तरीके से और जल्दी हमारा बियर को कट रहा है इस ट्रिमर। इसका मतलब है आप जब जल्दी में रहेंगे इस ट्रिमर से आप बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से आपका बियर्ड ट्रिम कर सकते हैं। बट जल्दी के साथ साथ आपका सेफ्टी पर भी ध्यान दीजिए। सफाई करने के लिए आपको कोम को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप कोम नहीं निकाल कर बेहतर तरीके से साफ कर पाएंगे। आपको साफ करने के लिए इस ट्रिमर को पानी में भी धो सकते हैं, क्योंकि इस MI बियर्ड ट्रिमर IPX7 रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब है इस ट्रिमर वाटरप्रूफ है। बट शांतनु टॉकीज का सजेशन है, धोने के टाइम में आप जरूर ध्यान रखिए पानी में इसका चार्जिंग पोर्ट नहीं गीला होना चाहिए। और एक बात, यूजर मैनुअल के हिसाब से आप शावर में भी इस ट्रिमर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप छोटी क्लीनिंग ब्रश से भी इस ट्रिमर में अटका हुआ बाल को साफ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आउट ऑफ 10 में कितना मार्क मिलता है इस ट्रिमर को। इस ट्रिमर का पॉजिटिव चीज देख लेते हैं। इस ट्रिमर का बैटरी बहुत अच्छा है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है लाइट वेट है 270 ग्राम। थर्ड नंबर पे है अच्छा मटेरियल के साथ बिल्ड क्वालिटी। चौथा नंबर पे है ट्रैवल सेफ्टी लॉक फीचर्स। 5 नंबर पे है क्विक चार्जिंग के साथ। 6 नंबर पे है वाटरप्रूफ। अब देखते हैं इस ट्रिमर का नेगेटिव चीज। इस ट्रिमर के साथ कोई भी चार्जिंग एडाप्टर नहीं दिया हुआ है Xiaomi ने। इसके अलावा और कोई वीक चीज मुझे नहीं लगा पर्सनली। हमारे तरफ से आउट ऑफ 10 इस ट्रिमर को मिलता है 8। इस प्राइस सेगमेंट में Xiaomi ने बहुत ही अच्छे ट्रिमर लेकर आया है इंडियन कंज्यूमर के लिए। Xiaomi इस ट्रिमर को वाटरप्रूफ करके बहुत अच्छे करा है, बट हम इसको शावर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान। बस फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और इन्फॉर्मेटिव होते रहिए।